नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। यदि दोस्तों आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि टेक्निकल एनालिसिस और शेयर बाजार की से जुड़ी हुई सारी बातें आपको निःशुल्क उपलब्ध होती रहेंगी। दोस्तों आज हम बात करेंगे ITC का। आपके सामने डेली चार्ट है जिसमें तीनों EMA लगे हुए हैं और जो ये आप सब ट्रेंड लाइन देख रहे हैं ये मल्टी ईयर ट्रेंड लाइन है। जी हाँ दोस्तों, अब ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी क्योंकि इसने पिछली कई बार इस पर सपोर्ट लिया है। मैं आपको दिखा दूँ, 2017 से ट्रेंड लाइन बनती हुई आ रही है। इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया है जून 18 में, फिर इसने अगली बार अक्टूबर 18 में सपोर्ट लिया था, फिर एक बार दिसंबर में लिया था और फिर फरवरी में लिया था और फाइनली यहाँ सपोर्ट लिया था। लेकिन ये सपोर्ट इसका कोई ये सपोर्ट फाइनली इसको सपोर्ट नहीं कर पाया और इसको नीचे गिरा दिया है यहाँ से। फाइनली आप देख पा रहे होंगे, बड़े टाइम फ्रेम पर आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, ये जो सपोर्ट की ट्रेंड लाइन थी अभी इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको एक सर्कल के थ्रू बता दूँ, माफ़ कीजिएगा दोस्तों मेरी ड्राइंग थोड़ी सी कमज़ोर है अभी क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर अभी नया नया आया हूँ मैं। देखिए दोस्तों, ये जो लाल घेरा थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं, जो लाल घेरे में आप चीज़ें देख रहे होंगे ये बार बार इसके ऊपर जाने की कोशिश करता है, दिन में चले भी जाता है लेकिन फाइनल क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं दे पाता। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 लगातार आज 13 सेशन हो गए हैं। ये 13 दिन से स्ट्रेट लाइन के पास जाता है लेकिन इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाता है, वापस रेजिस्टेंस मिल जाता है। तो इसके लिए ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है जो कि मल्टी ईयर ट्रेंड लाइन है, ये कोई ऐसा नहीं दोस्तों 2-4 दिन की ट्रेंड लाइन है, ये 2017 से ट्रेंड लाइन बनती हुई आ रही है और लगातार इससे सपोर्ट लिया जा रहा था और ये आने वाले दिनों में बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगी। इसके लिए कल बजट डे है दोस्तों, हो सकता है कंज्यूमर सेक्टर के लिए कुछ अच्छी खबर आ जाए और ये ट्रेंड लाइन टूट जाए, लेकिन जब तक कोई अच्छी खबर ना आए और एक तगड़ा ब्रेकआउट ना मिले हमको बड़े वॉल्यूम के साथ, तब तक इसमें बुलिशनेस बनाना हमारे लिए ठीक नहीं रहेगा। और सबसे बड़ी बात ये तीनों EMA के नीचे काम कर रहा है, तो जब या तो ये तीनों EMA के ऊपर चले जाए या इस ट्रेंड लाइन को तोड़ दे, जो भी दोनों में से पहले हो जाए तब तक हम इसमें बाई के लिए नहीं सोच सकते। यदि दोस्तों इस वीडियो में दी जा रही जानकारी और कंटेंट आपको अच्छा लगता है और आपको कुछ चीज़ें समझ में आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों अपने दोस्तों को, जो भी शेयर बाज़ार से जुड़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, कुछ पैसे कमाना चाहते हैं, तो उन तक ये चीज़ें आप शेयर कीजिए ताकि उनको भी सीखने को मिले।